नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। जहां एक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुना से रवाना किया, वहीं दूसरी ओर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने उस पर भी चुटकी ले ली। विधायक महोदय ने कहा कि ट्रेन तो पहले से ही गुना से चलती थी, इसमें सांसद ने नया क्या कर दिया। विधायक ने यह भी दावा किया कि वे खुद इस ट्रेन में सफर कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद सिंधिया ने यहां से रवाना किया, उसका लोकार्पण सिंधिया ने नहीं किया, बल्कि यहां पर तो उन्होंने स्टाफ का और ट्रेन का स्वागत किया था, क्योंकि वो ट्रेन पहली बार गुना से निकल रही थी। वहीं इस ट्रेन के बारे में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य को जानकारी का अभाव है, जैसा कि उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ट्रेन में सफर कर चुके हैं, जबकि ये ट्रेन तो यहाँ पहली बार ही आई थी, जिसका रिकॉर्ड हम रेलवे की वेबसाइट पर जाकर देख चुके हैं। ये ट्रेन पहली बार 13 तारीख को ही रवाना की गई है। इसके साथ ही विधायक महोदय ने यह तक कह दिया कि वह खुद सांसद से आग्रह करेंगे कि इसमें जनरल कोच बढ़वा दिए जाएं, जबकि सरकार भाजपा की है, उसके बाद भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी विधायक महोदय को कि उन्हें सांसद से, जो कि कांग्रेस शासित हैं, उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि इसमें जनरल के डब्बे लगा दिए जाएं। हम नहीं कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। नहीं तो अरे आदमी सिंधिया जी कह रहे हैं, मैं लेके हाँ जी ऐसा कहो। सिंधिया जी कह रहे हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन वो लेके आए, वो भाजपा की सरकार है। कहां तक उपलब्ध दिए कांग्रेस जी? देखो एक बात बताऊं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग से मेरा माथा मत फोड़वाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो केवल। केंद्र की सरकार की योजना के क्रम में यहाँ वो ट्रेन पहले से ही चलती थी, वो चल रही है, उसमें केवल इतना सुधार हुआ है कि वो अब चेन्नई तक जाएगी। पर उसमें एक और मैं खुद गया हूँ रात के 3:30 बजे यार, पर ट्रेन देखी है मैंने वहाँ में, सब के सब डिब्बे एयर कंडीशन, मतलब जिसको हिंदी में कहा वातानुकूलित डिब्बे थे, जनरल डिब्बा एक भी नहीं। गुना जिले और अशोकनगर के कम 14 स्टेशन पड़ते हैं, यहाँ से भी लोग यात्रा करते हैं, और वो यात्रा करते हैं जो गरीब आदमी है। आप ले लोगे क्या एक्सप्रेस, ये इतनी बड़ी ट्रेन का टिकट नहीं ले पाओगे? एसी कोच कर, आप टिकट नहीं ले पाओगे? आप एक बार सोचोगे कि यार कहाँ से 3,000 रुपया दूँ? तो ये जो जनता की सुविधा के लिए जो आवागमन की सुविधाएं तय की गई हैं, उनमें उन छोटे छोटे व्यक्तियों को भी यात्रा करने का मौका मिलना चाहिए। उसमें एक भी डब्बा ऐसा नहीं था जिनमें जनरल आदमी बैठ सके। तो हम मांग कर रहे हैं ना सिंधिया जी से, भाई हम मांग कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल कोशिश की और उस प्रयत्न का ये परिणाम निकला उस को मांग का कि वो ट्रेन वहाँ से चेन्नई तक जाने लगी। पर उसमें डब्बे तो लगवाएं, जनरल डिब्बे क्यों नहीं लगवाते? इस क्षेत्र की जनता गरीब है, वो भी तो यात्रा करना चाहती है, वो भी तो अपने घर पहुँचना चाहती है। हैं, अब हम ही बैठ बिचाए वहाँ में कि हम बैठ जाए, तो पहले हमें हमारी जेब देखने पड़ेगी कि हम पे तो पैसा है कि नहीं टिकट ले। तो ये बारीक बात समझो आप, रेल चलवाई उनने बहुत बढ़िया रही, झंडी बताई बहुत अच्छी रही, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है माननीय सांसद जी से कि उसमें जनरल डिब्बे तो लगवा दें दो, जिससे ये गुना और अशोकनगर के जिलों के कम 12 स्टेशनों को कवर करेगी। वो 3-4 जगह तो रोकें, एक कमी और उसमें। इस देश में अपन ने महिलाओं को 50% का आरक्षण देने की खूब जोर से वकालत कर रहे हैं, हर प्रतिनिधि कर रहा है, एक भी डिब्बा महिला के लिए नहीं सुरक्षित, उसमें विकलांग के लिए नहीं है। तो आपने ट्रेन चलवाई है, अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस क्षेत्र के लिए। तो महिलाओं के लिए भी तो डिब्बे लगवा दो, उसमें विकलांगों के लिए भी तो लगवा दो, आधी अधूरी नहीं है यार। मैं उन श्रीमान से निवेदन करूंगा सांसद जी से कि जो कोशिश उन्होंने 4.5 साल में इस ट्रेन के लिए की, नए डिब्बे लगवाने की भी कोशिश करें वे, महिला डिब्बे, सामान्य मतलब जनरल डिब्बे, और विकलांगों के लिए सुविधा, तब वो सच्ची सेवा मानी जाएगी यार भैया, ये आधी अधूरी नहीं। हाँ विश्व डेंगू दिवस के मौके पर रेडक्रॉस भवन में महामारी नियंत्रण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को करने का मुख्य उद्देश्य
डेंगू के चिन्हित मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराना था। इस कार्यशाला में सुबह की पाली में संविदा कर्मियों को आमंत्रित किया गया था, वहीं दोपहर की पाली में निजी एवं शासकीय चिकित्सकों को बुलाया गया था। यहां इस बात पर भी विचार किया गया कि शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सक आपस में मिलजुल कर काम करेंगे ताकि शहर को डेंगू से दूर रखा जाए। अपने गुना प्रवास के तीसरे दिन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे एक युवा सम्मेलन में। युवा सम्मेलन का आयोजन NSUI गुना ने किया। यहां पर सिंधिया ने NSUI अध्यक्ष कविंद्र सिंह चौहान की तारीफ की और उन्हें श्रेष्ठ अध्यक्ष के अवार्ड से नवाजे जाने पर बधाई भी दी। इस मौके पर NSUI एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि भवन के अंदर जहां 400 लोगों की बैठने की जगह थी, वहां 900 से ज्यादा लोग खड़े थे। इसके साथ ही कार्यक्रम को सुनने वाले लोग बाहर भी मौजूद थे। अब आप सभी लोगों से अनुरोध है कि व्यवस्थाएं संभालें, कृपया मंच से नीचे हो जाए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, भारत आपके सुरक्षित प्रदान मेहनत करते हैं।
के समय अचानक जयस्तंभ चौराहे स्थित डीपी पर आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एवं तेज गर्मी के चलते इस डीपी में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास की 3 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही डीपी के पास रखी एक दोपहिया गाड़ी भी पूरी जलकर खाक हो गई। आसपास के रहवासियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। यहां देखने लायक पहलू यह भी था कि फायर ब्रिगेड को खबर देने के बाद भी आधा घंटा देर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अगर फायर ब्रिगेड समय रहते पहुंच जाती तो काफी हद तक नुकसान को कम किया जा सकता था। अरे गीली कर दो अपनी दुकान यार, पहले से अपनी दुकान गीली कर दो। उसमें आने में ही कम से कम यहाँ 25 मिनट आधा
घंटा पौन घंटा करीब लग गया, लेकिन हमारे गुना के नागरिक बड़े जागरूक हैं। हमारे भाई मजर खान ने जो गैस का जो प्रेशर है जो आग में काबू पाता है, दो सिलेंडर तत्काल मजर भाई अपनी दुकान से उठा के लाए और आग को कंट्रोल में किया। हम ये चाहते हैं कि जो नुकसान जो है जो हुआ है उसकी भरपाई जिला प्रशासन करे और इन लोगों को मुआवजा राशि दे। कुम्भराज के नजदीक बाइक सवार एवं ट्रैक्टर में भिड़ंत से बाइक सवारों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुम्भराज के पास ही तुलसी खेड़ा रोड पर एक मोड़ पर ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इन दोनों ही सवारों को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। कुम्भराज के पास खेड़ी गांव है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, ये लोग ट्रैक्टर से टकरा गए। एक्सीडेंट हुआ है अपने तुलसी, अपने जो कुम्भराज है कुम्भराज से 7-8 किलोमीटर दूर तुलसी खेड़ी वाले रोड पे। कैसे हुआ? उसमें हुआ है ये लोग दोनों लोग आ रहे थे बाइक से, सामने से ट्रक ट्रैक्टर आ रहा था, इनकी बाइक क्या हुआ कि ट्रैक्टर में इनने टकरा दी। टर्न था हल्का सा, वहाँ गंभीर घायल है। हाँ गंभीर घायल है, दोनों में हेड इंजुरी है। अशोकनगर रोड पर मोटरसाइकिल सवार एवं कार की आमने सामने से हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायल युवक ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से पेपरौदा की तरफ अपने गांव जा रहा था, वहीं मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक कार से उनकी भिड़ंत हो गई। हालांकि पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। गाड़ी दोनों वही है, कोतवाली में। गाड़ी कौन सी? कौन सी गाड़ी थे आप? बेपरिया जा रहे थे गाँव गाँव पे। तो क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम दोनों साथ में जा रहे थे, तो रास्ते में कैसे जा रहे थे आप? हैं कैसे जा रहे थे आप? बाइक से, गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? डीलक्स से। हाँ फिर क्या हुआ? फिर जात में आगे से जी वाई इसने थोड़ी मोड़ने की कोशिश करी, मतलब गांव तरफ, वहीं पर टूट गई। क्या वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हो गया? अच्छा कौन सी गाड़ी थी? स्विफ्ट थी। तो आप लोग कितनी चोट आई दोनों को? इसको ज़्यादा लगी, मेरे को थोड़ी कम लगी। इसका क्या नाम भैया था? धर्मेंद्र कुशवाहा। अशोकनगर रोड पर जो कृषि कार्यालय है वहाँ पर ये धर्मेंद्र और रामू कुशवाहा को एक्सीडेंट में चोटें आई हैं और स्विफ्ट गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, दोनों ही हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। किस जगह पर हुआ सर ये एक्सीडेंट? ये कृषि कार्यालय है अशोकनगर रोड पर, वहाँ पर हुआ। कैंट मस्जिद के आसपास बढ़ती गंदगी को लेकर आज मस्जिद के सदर ने जताई नाराजगी। सदर का आरोप है कि यहां पर सफाई कर्मचारी मस्जिद के आसपास सफाई नहीं करता, जिसे कई बार शिकायत करने के बाद भी वह सुनता नहीं है। वहीं कल से रमजान शुरू होने जा रहे हैं, इस गंदगी और बदबू के चलते यहां पर लोग कैसे नमाज अदा कर पाएंगे यह देखने लायक होगा। समस्या ये है कि एक साल से क्या मैं परेशान हूँ मेट से और उससे हेल्पर से, आजू बाजू में जो सफाई करते हैं और मस्जिद की बिल्कुल सफाई नहीं करते, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बदबू आती है, नमाज़ पढ़ने वालों को बहुत परेशानी होती है।
कहाँ तक हम सहन करें, और दिक्कत होगी। रमजान में रोजे भी रखते हैं लोग, बाग बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रखते हैं, और इतनी गंदगी के मारे उनको उल्टी भी हो सकती है, तबीयत भी खराब हो सकती है उनकी। एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हर घर में बिजली पहुंच रही है, वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में मोमबत्ती और चिमनी के उजाले में होती है डिलीवरी। इस भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर रहने को मजबूर है जच्चा और बच्चा। हम बात कर रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र झागर की, जहां हालत बद से बदतर है। बमोरी तहसील के उप स्वास्थ्य केंद्र झागर में पिछले 2 वर्षों से इन्वर्टर खराब पड़ा हुआ है। यहाँ प्रसूताओं और उनके अटेंडरों को अंधेरे में रहने को मजबूर है। वहीं आंधी या किसी अन्य कारण से लाइट फॉल्ट हो जाए तो यहाँ पर बिजली आती ही नहीं। वहीं रात के समय होने वाले प्रसव भी मोमबत्ती और टॉर्च के उजाले में ही कराए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र में इन्वर्टर तो है, लेकिन उसकी बैटरी खराब पड़ी है। वहीं हैरानी की बात यह है कि इन विगत 2 वर्षों में क्या यहाँ पर कोई भी विभागीय अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा? यदि पहुंचा तो उन्होंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि यहाँ पर इन्वर्टर खराब है? वहीं जब हमने उप स्वास्थ्य केंद्र झागर पर प्रभारी सुरेश नामदेव से बात करना चाही तो कैमरे के आगे से मुंह छुपाते नजर आए, साथ ही कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। मोड़ा मोड़ी गर्मी मर जाए ध्यान दलेरी वाला एलिमेटर नहीं है ध्यान, बच्चा बच्ची गर्मी में मर गया थे, लाइट नहीं है, शाम से लाइट नहीं है इस तार पर। हमसे अभी 5 बजे से लाइट नहीं है, और गर्मी के कारण बच्चा और जच्चा को दोनों को बहुत परेशानी आ रही है। बोलो, यहाँ पे स्टाफ से बात हुई है तो बोला इन्वर्टर है पिछले 1 साल से खराब है, और यहाँ पे जो भी मरीज आ रहे हैं उनका अंधेरे में इलाज हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की यहाँ पे, और मरीजों को भी दिक्कत आ रही है। नहीं तो इन्वर्टर तुमने लिखित में दिया है ना ऐसा के, हाँ साहब इन्वर्टर खराब पड़ा है, चेंज नहीं हुआ। हम तो आज निकल जाएंगे सुबह, आपको तो देरी देरी दिक्कत है। क्यों भाई साहब? तुमरी खुद की परेशानी तो बता सकते हो, हाँ साहब हमें अरे हो जाएगी, अमरी तो हो जाएगी, तो मैंने के साहब अंधेरे में डिलीवरी करना पड़ती है, अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है, आपको भी तो परेशानी आती है ना। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। चुनावी बिगुल के शंखनाद से पहले क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के घर राधोगढ़। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई तरह के कयास और अपवाद लोगों में चलते रहते हैं, उन सभी को धता बताते हुए आखिर क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे रावगढ़ के लिए, जहां उनका स्वागत दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने किया। तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर इन दोनों की मुलाकात चलती रही, वहीं किले पर ही उन्होंने भोजन भी किया। इस मुलाकात को उन्होंने एक सामान्य मुलाकात का ही दर्जा दिया। अचानक हुई इस मुलाकात के चलते राजनीतिक हलकों में अफवाहों के बाजार गर्म हो गए। हर व्यक्ति जो
इसको लेगा उसको तारीख भी आपके लिए होगा। नहीं 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 हम्बल रिक्वेस्ट होगा। बहुत सुंदर लंबा जी कैसे रखना है इसको आप ऐसा करो इसको आप अभी रख के आराम से अच्छे से हस्ताक्षर करके फोल्ड करके कांग्रेस की कोई तालमेल की योजना नहीं है। जो तालमेल होता है वो तो एक वास्तविक रूप से अंतरात्मा से होती है या नहीं होती। आप किसी को अपने पत्रकार जगत के भाई बंधुओं को भी आप साथ में बैठाकर तालमेल नहीं करा सकते। उसका सबसे अच्छा अनुभव आप लोगों को ही होता है। सर सीएम शिवराज तो जो संभव है वो अपने आप ही हो जाता है और वो होने के लिए भी एक समय होता है। पिछले 15 सालों में उसका अभाव जरूर रहा है जो कई बार आप लोगों ने भी उल्लेख किया है और शायद आप लोगों से ही सीख लेकर हम लोग अपना दिल खोलकर साथ में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। वैसे इस क्षेत्र में सदैव मेरे पूज्य पिताजी भी आते रहे हैं। जबराज अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे थे और मुझे इस बात की बड़ी खुशी आज हुई है कि परिवार की परंपरा के आधार पर जिस तरीके से हमारे कौर साहब भी जनता के समक्ष जनता के बीच एक राजनीतिक संबंध नहीं लेकिन एक पारिवारिक संबंध को बनाए रखे हैं, एक लगाव की झलक जनता के उनके प्रति मैंने अपने स्वयं आंखों से देखी। मुझे गर्व भी होता है और खुशी भी है कि उनकी परिवार की परंपरा और उनके पिता के पच्चीनों पर चलकर उनका भी भविष्य बहुत ऊर्जावान और सुंदर भविष्य होगा। सदैव मेरी तरह राजनीति से प्रेरित नहीं लेकिन जनसेवा से प्रेरित इनकी भी सोच विचारधारा है। एक 21वीं सदी के भारतवर्ष के नौजवान के रूप में एक प्रगतिकारी सोच विकासशील सोच कि जनता का एक बर्दहस्त जो इन्होंने पाया है उसे एक सकारात्मक तरीके से अपनी जनता की विकास और प्रगति में सदैव योगदान देने की एक सोच उनकी है। गुना नगर में भी कई तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। ऐसा कहना है दिल्ली से आए थिएटर डायरेक्टर विकास बाहरी का। बता दें कि गुरुकुल स्कूल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एवं विनर सोसाइटी गुना के तत्वावधान में गुरुकुल स्कूल में आयोजित की जा रही है एक वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में दिल्ली से मशहूर डायरेक्टर विकास बाहरी आए हैं जो यहाँ पर बच्चों को एक्टिंग की कला सिखा रहे हैं। वहीं विकास का ये कहना है कि क्षेत्र में एक्टिंग के काफी स्कोप है, यहाँ के युवा काफी टैलेंटेड भी हैं। इस वर्कशॉप में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। ढंग से बैठो, इधर इधर बैठेंगे मेहमान, इधर इधर बस बस बस। अब देखो तुम दोनों ही आए हो, और कोई नहीं आया। ये देखो ये साहब है, ये मैडम है, ये तुम्हें सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे जो तुम्हें फायदे करेंगे, ठीक है, और तुमसे जानकारी लेंगे कि तुम्हारे गांव में क्या है क्या नहीं। तुम्हें बुलाना, मेरे बच्चों को बुरी आदतें सिखाता है। देखो बोला ना अपने मेरे बेटे को
नहीं डालेगा अपनी संगति, तुम कटू के पैसे साला हमारा निर्वास तेरा बदनाम है। कौन सा देश? ये देश हिंदू देश था, तुम हमारे नाम के पैसे से जाओ पाकिस्तान से मौके। ये उससे एक नई ट्रेन है बजाय के इसके भी 4 लाख रुपए मारे कुछ ये सब बहुत आसान है, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं। बड़ा काम है कि हम अपना कितना रिमाइंड करें, कितना क्लियर करें, क्योंकि हम जितने भी उम्र के हैं ना, मैं भी आप भी, हम सब हमें पैदाइश से ढंग से बहुत कुछ हमने लाभ दिया है और हमको पता है कि इतना ज़्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे जब हम सोसाइटी को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, तो हम सब भी इससे अलग नहीं है। अगर एक लड़की का रेप हो रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम का राइट हो रहा है, सब हो रहा है, ये सब हमारी दुनिया का ही है। तो हमको थोड़ा अवेयर तो होना ही पड़ेगा, मतलब इसके बिना बात बनेगी वो, फिर वो खराब एक्टिविटी कोई मतलब नहीं। जब आपको ये नॉलेज आ जाएगी, नॉलेज हो जाएगी कि हाँ यार ये बात ठीक है, और बेसिक बेसिक सा क्या है ना कि हम जिस भी डायलेक्ट से अभी है, जैसे तुम सबकी जो जबान भाषा है ये बड़ी रीजनल टच है, तो सबसे पहला काम तो हम उसको फाइंड करें, हमें अपनी बोली को पकड़ के रखना भी है। तो बिल्कुल एकदम कि हम अपनी बोली जो भी हमारी रीजनल भाषा है बिल्कुल पक्की रहे, लेकिन ये हम तब बताएं जब हम बताना चाहते हैं। उसके अलावा हम ये पता ना चाहिए ना कि हम किस इलाके से आए हैं, है ना। तो अभी हम सब क्या है कोई भी होने का अपन बता रहे किसी जगह, क्योंकि हम बोलते ही ऐसे हैं। तो एक तो पहले काम तो हमको ज़्यादा अपनी भाषा साफ करनी है। लुधियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।